असलम स्टूडेंट्स होप यू अल्लाह फाइन स्टूडेंट्स आज हम करेंगे बायो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर टू टॉपिक नंबर फोर विच इज सो लेट्स स्टार्ट प्रोटीन्सारोटीन्स आर मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल सेल ऑल प्रोटीन्स कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन सम वायल समोरस सल्फर स्टूडेंट्स so कह रहे हैं कि प्रोटीन्स जो है मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं किसी भी सेल का ठीक है ऑल कह रहे हैं contains, स्टाफ होती कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और कह रहे हैं फ्यू प्रोटीन्स है मालिक्यूल नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स केमिकली प्रोटीन्स कैन बी क्लासीफाइड एज पोलिमर्स ऑफ अमायनोस एसिड आर केमिकली हम प्रोटीन्स को डिफाइन कर सकते हैं बहुत तो सारे मायोन जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो क्या क्या बनाते हैं प्रोटीन ठीक है सिंगल पोलिपेप्टर मोर देन पोलिपेप्ट एक प्रोटीन होती है वो एक सिंगल पोलिपेप्ट भी हो सकती है उसके पास मोर देन वन पोलीपेपटाइड भी हो सकती है नेक्स्ट है हमारे पास अमायनोसिड अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये क्या है जो प्रोटीन्स है ये क्या है सिंपली पोलिमर्सोसिड्स की यानी जो अमायनोसिज है वो क्या building blocks है बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन्स की ठीक है एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन देयर आर मेनी मेनीस डाउन टू अकर बट ओनली ट्वेंटी आर कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन ठीक है कह रहे हैं माइनोसिस बिल्डिंग ब्लॉक से प्रोटीन्स के मेनी माइनोसिस नाउन है बट जो 20 कॉमनली पाए जाते हैं प्रोटीन्स में दी अमाउनो यूसिस दे आर बिल्ड ऑन अ कॉमन प्लान कॉमन प्लान यानी कॉमन एक उसका स्ट्रक्चर होता है ईच कंटेन्स अ कार्बन एटम इट इज कार्ड एल्फा कार्बन टू दिस अ हाइड्रोजन एटम एंड अमाइनो ग्रुप एन एच कार्बोक्सिल ग्रुप सी एंड अ वेरिएबल ग्रुप नाउन एज आर ग्रुप आर अटैच्ड कह रहे कि हाँ, जो इतने भी वन का उनका एक कॉमन स्ट्रक्चर यह है कि सबसे पहले उनके पास एक कार्बन आइटम होता है सेंटर में जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं उसके एक तरफ हाइड्रोजन आइटम अटैच होता है एक तरफ अमाइनो हाँ ग्रुप यानी एन एस टू अटैच होता है एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप सी डब्ल्यू एच अटैच होता है और एक तरफ, तरफ वेरिएबल ग्रुप होता है वेरिएबल यानी बाकी ये जो तीन ग्रुप्स हैं कार्बोक्सिल कार्बॉजिल अमानो ग्रुप और हाइड्रोजन ये सब अमानोस में सेम होता है ये जो वेरिएबल ग्रुप है ये सब माइनोसि में डिफरेंट होगा ठीक है इसको हम आर ग्रुप कहते हैं ठीक है द आर ग्रुप हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन ईच ऑफ द 20 बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट अमानो एसिड्स एंड दे डिटरमाइज देयर इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टीज़ कह रहा है ये जो आर ग्रुप है ये 20 डिफरेंट माइनोसिस में डिफरेंट है एंड और यही जो है इसकी वजह से उस एसिड uh, की प्रॉपर्टीज डिटरमाइन uh, होती है

or rupar are variable group attachment next time dipeptides and polypeptides dipeptides and polypeptides are formed by the condensation of amino acids on the ribosome after the instructions of messenger rna which make, takes these instructions from dna ठीक है कि कह रहा है जो डाइपेप्टाइड्स और का बनते हैं जब कंडेंसेशन होती है अमाइनो एसिड्स की ऑन द राइबोसोम्स एंड इन द सेक्शंस ऑफ मैसेंजर आरएनए ठीक है दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हेन एन अमाइनो एसिड डेक्स विद अनदर अमाइनो एसिड द ओएच फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड हाइड्रोजन फ्रॉम अमाइनो ग्रुप ऑफ

जो आर की जगह सी एच थ्री प्रेजेंट ठीक है ये इनमें डिफरेंस है अब कह रहा है कि जब दो मलिक्यूल्स जो माइनो थे वो क्या करेंगे कि कंडेंसेशन एक्शन होगा उनके बीच में यानी जो कह रहा है कार्बोक्सिल ग्रुप है C2, उस एक में से ओ एच निकलेगा कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे के माइनो ग्रुप से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये दोनों मिलकर वाटर बना लेंगे और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और जिसको हम कौन सा बॉन्ड कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड और

माइनो और एन टर्मिनल एंड कहते हैं दूसरे को कार्बोक्सिलिक एसिड और सी टर्मिनल एंड कहते हैं अ फ्यू माइनो एसिड कैन बी एडेड इन दिस चेन फ्रॉम इट्स कार्बोक्सिलिक एसिड और सी टर्मिनल एंड इन द सी कह रहा है कि बहुत सारे नए जो माइनो एसिड है उसकी कार्बोक्सिलिक एंड पे अटैच हो सकते हैं इसी वे में थस आर ट्राइपेप्टाइड अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री इस बना सकते हैं कि और माइनोसिड उनके साथ ज्वाइन हो जाए थीगेदर बाई मैनिंग पेप्टाइड चेन कह बहुत सारे माइनोसिड्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे थ्रू दिस पेप्टाइड बॉन्ड तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहेंगे पोलीपेपटाइड चेन बनकर हमारे पास ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल कंफर्मेश्स इन प्रोटीन्स क्चर ठीक है स्ट्रक्चर कल फॉर्मेशन का मतलब है कि प्रोटीन्स के जो चार स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का सेकेंडरी होता है ट्रस्टरी होता है ठीक है प्राइमरी स्ट्रक्चर कह रहा है कि लीनियर यानी स्ट्रेट चैन पोलीपेप्टी माइनो होते हैं विद स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर जो मैंने माइनस उसको हम कहते हैं ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इट इज शोन बाय ऑल शोनो ये तमाम पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर शो एट द टाइम ऑफ देयर ऑन राइबोसोमल सरफेस आफ्टर इज अ प्रोटीन नॉट रिमेन इन इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर कह रहे हैं कि जब प्रोटीन एक सिंथेसाइज होती है हो जाती है वो अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं रहती बट कैन बी चेंज इन टू अदर स्ट्रक्चर कलफॉर्मेशन वो दूसरी कुछ स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है पर्टिकुलर फॉर्म शेप या स्ट्रक्चर वो में uh, कन्वर्ट हो जाती है अ हेलिकल अल्फा हेलिक्स are flattened sheets, beta plated sheet like structures which are established by hydrogen bonding between opposite charge bearing groups of different amino acids are called scan structure. हेलिकल या फ्लैटिन शीट लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है किस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अपोजिट चार्ज बेरिंग माइनस के बीच में उसको हम कहते हैं इसके स्ट्रक्चर है ठीक है इन सब प्रोटीन्स द लीनियर पोलीपेप्टज चेंजिंग टू अल्फा हेलिक्स अल्फा हेलिक्स फोल्ड अगेन एंड अगेन बाई आइनिक बोन्ड्स एंड डायसल्फाइड विजेज टू फॉर्म अ ग्लोब्यूलर शेप स्ट्रक्चर कार्टी क्या रखे कुछ प्रोटीस में यह कहता कि जो लीनियर पोप्टाइड है पहले वो फोल्ड होती है और क्या बन जाती है अल्फा एलिक्स बना लेती है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे हैं कि फिर वो जो अल्फा एलिक्स बनती है वो फोल्ड दोबारा फोल्ड अगेन एंड अगेन अगे करती है किसके कि आयनिक बोन एंड डाइसल्फाइड ब्रिजेस और एक और नया स्ट्रक्चर बना लेती है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है सम प्रोटीन एग्जिस्ट इन वेरी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन विच मोर दैन वन ग्लोब्यूल इज अटैच टूगेदर सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्वॉटनरी स्ट्रक्चर्स स्ट्रोज so, के कह रहे हैं कि कुछ प्रोटीन कह रहे हैं कि बहुत कम्पलेक्स स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें एक से ज्यादा ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक्शन के साथ इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ये क्या है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स या फिगर टू पॉइंट टू थ्री में देख सकते हैं ये पहले हमारे पास क्या है सिंपली एक स्टेज चेन है माइनो एस की ठीक है ये आप देख सकते हैं और ये जो आपको डॉट्स डा, डा, नजर आ रहे हैं डिफरेंट कलर्स के पिंक व्हाइट ग्रे ग्रीन ये क्या है ये माइनोरेसरीज हैं ठीक है तो अब ये क्या है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है ठीक है नीचे ये क्या सिंपली ये चेन है माइनो एसिड की ठीक है देन क्या हुआ कि जब ये जो प्राइमरी चेन थी माइनो एसिड की जब ये थोड़ा फोल्ड आ, हुई थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसने या तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेगी जैसे ये आप ये देख सकते हैं ये ये हेलिकल स्ट्रक्चर है या ये ऐसे शीट्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है ठीक है तो ये होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब ये अल्फ़ा हेलिक्स या लिक्ड स्ट्रक्चर होता है या ये प्लेट शीट स्ट्रक्चर जब ये दोबारा फोल्ड होता है थ्रू आइनिक बोल्ड डाल है सलफाइड ब्रिज तो ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर और जब बहुत सारे ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर आपस में ज्वाइन होते हैं तो ये बना लेता है टर्शरी स्ट्रक्चर थ्रू हाइड्रो और ये जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर अटैच होते हैं थ्रू हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ एसिड सीक्वेंस

इवन ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन चेंज पॉइंट कहते म्यूटेशन म्यूटेशन चेंजिंग पॉइंट यानी वन माइनोसिट चेंज ठीक है तो कह रहा चेंज जब सिंगल आर फ्यू माइनो न्यूक्टाइज इंडिया ने दिक्वेंस ऑफ माइनोसि प्रोटीन में बी ज इफेक्ट इन द बॉजी एज इट इन सिकल सेल आ है रहा कि अगर ये जो हमारे पास सिक्वेंस होता है मायनोसिक का अगर इसमें पॉइंट म्यूटेशन हो यानी वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स का भी अगर चेंजेस आएँ तो वो क्या अगर पूरे मायोसिक का सिक्वेंस चेंज कर डिस्टर्ब हो जाता है जो इससे हमारे बडी में बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं जैसे कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो भी जो डिजीज़ है उसमें जैसे सिकल सेल निमिया का बच्चों ये एक डिजीज़ है जिसमें जो हमारे रेड ब्लड सेल है वो सिकल शेप हो जाते हैं और ये भी सिंपली एक मायने के चेंज की वजह से हो जाता है यानी नॉर्मल वालों में जो सिक्वेंस होता है उसे एक आ, आ, इनके अंदर एक आ, जो मैनोसर डिफरेंट होता है ठीक है नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स आर डिसेप्ड होते हैं एंड लुक लाइक डोनर विदाउट होल्स इन देंटर कह रहे हैं कि जो नॉर्मल ब्लड सेल्स होते हैं वो डिस्कशेप होते हैं और खूब डोनर्ट्स की तरह नजर आते हैं विदाउट होल लेकिन उनके सेंटर में होल लेता ठीक है दे मूव इजिली थ्रू यूर ब्लड वेजेस कह रहे थे वो ईजिली आपके ब्लड वेजेस में से मूव कर सकते हैं ब्लड वैजेस क्या होती हैं आर्ट्रीज वैपिलेरीज रेड ब्लड सेल्स कंटेन एंड आयरन रिच प्रोटीन कार्ल्ड हीमोग्लोबिन कह रहे हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स के पास एक आयरन रिच प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबन

सिकल सेल अनिमिया इज अ सीरियस डिसऑर्डर इन विच द बॉडी में सिकल सेलिमिया बॉडी के अंदर सिकल शेप या क्रिसेंट शेप जो होता है रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं ठीक है सिकल सेल्स कंटेन अब नॉर्मल हीमोग्लोबन कार्ड सिकल होमोग्लोबन कह रहे हैं कि जो सिकल सेल रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर अब नॉर्मल हीमोग्लोबन होता है ठीक है यानी नॉर्मल नहीं होता ठीक है एच बी एस सिकल हिमोग्लोबन काजेज द सेल्स टू डेवलप सिक्कल शेप सिक्कल हिमोग्लोबन क्या करता है कि उन सेल्स की शेप, सिकल शेप कर देता है और उनको स्टेफ एस्टिक कर देता है दे टेंड टू ब्लॉक ब्लड फ्लो इन ब्लड अच्छा वो क्या करते हैं कि ब्लड फ्लो को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं एंड ब्लॉक ब्लड फ्लो कैन काज पेन एंड ऑर्गन डैमेज एलनीमिया काज बाई अब योदा किस वजह से म्यूटेशन इन बुटाग्लोबिन जीन इन विच ऑनली वन न्यूक्लोटाइड इज रिप्लेस बाई अच काज इज अ चेंज इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन कह क्या है सिंपली इसमें क्या होता है कि जो पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है यानी वन न्यूक्लियोटाइड चेंज जाता है किसके अंदर बीटा ग्लोबिन जीन के अंदर ठीक है सिकल सेल हीमोग्लोबिन शोज हैमोगली वन डिफरेंस फ्रॉम हीमोग्लोबिन ए दैट इज नॉर्मल हिमोग्लोबन विच आई ग्लूटेमिक एसिड जो हमारे पास अमाइनो एसिड होता है वो रिप्लेस हो जाता है वैलिन के पास हमने जो ट्वेंटी कॉमन टाइप ऑफ माइनो एसिड पढ़े हैं उसमें कौन कौन से होते हैं एलानी वैलिन ग्लूटामिक एसिड इस तरह के डिफरेंट है ठीक है तो उसमें क्या था सिंपल एक जो नॉर्मल वाला था उसमें क्या था कि ग्लूटामिक एसिड होता है प्रेजेंट होता है उसी की जगह जब वैलीन आ जाता है एट पोजिशन नंबर सिक्स इन बीटा चेन तो उससे क्या आ जाता है हमारे तो पास जो रेड ब्लड सेल्स है वो स्टिकल शेप बनना शुरू हो जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर एंड शेप प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स फाइब्रस एंड ग्लोबुलर कह रहे कि स्ट्रक्चर और शेप की बेस पे हम प्रोटीन्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं विच आर फाइब्रस एंड ग्लोबुलर

फाइब्रीनोजीन एक्टीन मायोसिन एंड कैराटीन जो कि प्रोटीन एप, है कैराटीन प्रोटीन जो हमारे हेयर में प्रेजेंट होती ये सब जो प्रोटीन्स है ये फाइबर प्रोटीन्स है ठीक है नेक्स्ट आ जाता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैव स्फेरिकल आर ग्लोब्यूल्स लाइक शेप ठीक है इनकी स्फेयर या ग्लोब्यूलर शेप होती है देफो दे आर क्वाटनरी स्ट्रक्चर ड्यूर फंक्शन इसलिए ये टेस्टरी या क्वाटनरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है दीज प्रोटीन आर सोलेबल इन एक्विडियम ये सोलिबल यानी डिजॉल्व हो सकती हैं वाटर में इन इलास्टिक होती हैं एंड कैन बी क्रिस्टलाइड एग्जाम्पल्स क्या हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की इन्जाइम्स हारमोनस एंटीबॉडीज चैनल प्रोटीन्स एक्सेट्रा बच्चों हमने पढ़ा भी है कि जो इन्जाम्स होते हैं वो भी प्रोटीन ही नेचर होते हैं यानी वो भी क्या है प्रोटीन प्रोटीन्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रोल ऑफ प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मालिक्यूल्स इन अवर सेल्स They are involved in virtually all cell functions. Ke proteins are important molecules in our a role in Each protein within the body has a specific function. Ke har protein ka ke body specific function. Hota hai. Some proteins are involved in sport or composition of body parts, for example, structural roles. While others are involved in various physiological activities, like bodily movement or in defense against germs. आई फंक्शनल रोल्स कह रहे कि जो प्रोटीन्स का डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जैसे कुछ का स्ट्रक्चरल रोल्स है कुछ का क्या रोल है जी इन फिजियोलॉजिकल एक्ट लाइक मूवमेंट ऑफ डिफेंस गैस डर्म्स लाइक फंक्शनल रोल्स भी हैं इनके ठीक हैल प्रोटीन्स ओके यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के नाम दिए गए हैं और उनका रोल बताया गया है टाइप से हमारे पास कोलेजन इलास्टिन कैराटीन एंड हिस्टोन सबसे पहले हम देखते हैं कोलेजन इसका रोल क्या है इट इज स्टैब्लिश द मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज ओके ये क्या फॉर्म करती है ये जो बोन मैट्रिक्स और कार्टिलेज है वो बनाती है ठीक है नेक्स्ट है इलास्टिन इलास्टिन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर कनेक्टिव टिश्यूज सच एज टेंडन्स एंड लिगमेट्स अच्छा जो इलास्टिन प्रोटीन है ये क्या करती है ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है कनेक्टिव टिश्यूज को उनको ठीक है मजबूती देती है लाइक हेयर्स को नेीदर्स को हॉन्स को एंड बीक्स को लास्ट वन इज हिस्टोन इट अरेंज द डी एन ए इंटू द्रोमोजोम यह क्या करते हैं कि डी एन ए को अरेंज करती है क्रोमोजोम बच्चों आपको बताया कि जो नॉर्मली डी एन ए हमारे जो सेल के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है वो नॉर्मली थर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रेजेंट होता है ठीक है लेकिन ड्यूरिंग जब सेल डिवाइड होना होता है तो उससे पहले हमें क्या करना होता है कि जो डी एन ए है वो क्या होता है कि वो अप हो जाता है और अप के क्या बना लेता है क्रोमोजोम तो क्रोमोजोम जो होता है सिंपली वो खुद अप नहीं होता बल्कि वो किसके गिर्द कायल होता है हिस्टोन प्रोटीन के ठीक है तो ये डी एन ए को अरेंज करती है क्रोमोजोम पे ठीक है इसलिए हम तो कहते हैं कि जो क्रोमोजोम है वो मेडअप ऑफ डी एन एंड हिस्टोन प्रोटीन ठीक है नेक्स्ट है पास टेबल लिस्ट ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स तो इसमें हमारे पास आ जाती है इंजाइम्स हारमोन्स एंटीबॉडीज हीमोग्लोबिन ओवलब्यूमिन एंड ओवल और इनका रोल्स फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं हमारे पास इंजाइम्स दी मोस्ट ऑफ इंजाइम्स और प्रोटीन विच कंट्रोल मेटाबॉलिज्म द स्पीड ऑफ द बायो केमिकल कह रहे कि जो मोस्टली जो इन्जाइम वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं ठीक है और जो कि हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल रहे होते हैं ठीक है मेटाबॉलिज्म कहता है कि जितनेंगजम जो हो रहे हैं ठीक है तो जितने भी बायो केमिकल हो रहे हैं तो उनको वो स्पीड अप करती हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास हारमोन्स सब हारमोन्स आर प्रोटीन इन नेचर विच आर इन्वाल्व इन रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ सच एज रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल कैल्शियम लेवल डाइजेशन ब्लड प्रेशर कह रहे हैं कि कुछ प्रोटीन प्रोटीन सॉरी हारमोन्स जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं और वो रोल प्ले like कर रहे होते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ लाइक रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर रहे होते हैं डाइजेशन और ब्लड प्रेशर में उनका रोल होता है नेक्स्ट है एंटीबॉडीज़ दीज प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डब्ल्यू बी सीज़ के होते हैं वाइट ब्लड सेल्स बड है ना आपके जो हमारे ब्लड होता है उसमें जो ब्लड सेल्स उनकी तीन टाइप्स होती है रेड ब्लड सेल्स आर बी सीज वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स ठीक है तो कह रहा है कि ये जो प्रोटीन्स है ये प्रोड्यूस कौन करता है वाइट ब्लड सेल्स इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन के एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीजन क्या होता है ऑफ फॉरन पार्टिकल अच्छा सिंपल कहता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरन पार्टिकल लाइक माइक्रोसम वगैरह इंटर होता तो है उसको हम एंटीजन कहेंगे तो जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर होगा तो उसके गेंट हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो एंटीबॉडीज बनाती है ठीक है एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन ये मैंने आगे पढ़ लिया था कि ये किस में पाया जाता है रेड ब्लड सेल्स में इट इज फाउंड इन आर रेड ब्लड सेल्स एंड इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन मेनली और ईद का रोल किस में है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर ले मेनली एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू कुछ Uh, हद हाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फाइब्रिनोजेन इट इज फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा एंड इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लाटिंग प्रोसेस ये कहते हैं कि ये ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है और इसका रोल किसमें होता है ब्लड क्लाटिंग में ठीक है लास्ट वन इज ओवल एंड कैजीन इज फाउंड इन ओवल इज फाउंड इन एग वाइट्स एंड कैजीन इज अ मिल्क बेस्ड प्रोटीन बोथ ऑफ दैम आर इन्वाल्व इन द स्टोरेज ऑफ अमाइनो माइनोज दो कह रहे हैं कि दोनों का जो रोल है वो किस में है स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड्स में सो so, so ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है होपली आपको समझ आ गया होगा इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन थैंक यू